गलियां फटी हुई है, दुकानदारों का जीना मुश्किल हो गया है, ग्राहक कैसे जाएगा। यहाँ से 5 बार का एमएलए भी यहाँ पे रह लिया, कैबिनेट मंत्री भी है। भारतीय जनता पार्टी 1,000 से 40,000 रुपया सत्यवान सेना की टिकट नहीं मिली, पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में चले गए, निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। आपके मन में नहीं आता कभी कि भाई आप 2 बार 3 बार आप ट्राई कर चुके हो? कभी कभार तो मन में आ जाता होगा कि छोटा यार क्या है। एक नेता की किरकिरी हो रही है, एक पार्टी की किरकिरी हो रही है, उस काम को आप क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, यदि किसी कारण से टिकट नहीं मिलती है तो किसी को, जिसको भी टिकट मिलेगी उसको सपोर्ट करोगे या घर पे बैठ के अपना रेस्ट करोगे? ये बोलते हैं लोग, काफी लोगों से सुनने को मिला, मेरे को अपना घर पर लिया मिठाई खाने सारे के सारे। विधानसभा चुनाव सर पर है और हर विधानसभा की अपनी एक अलग कहानी है और चुनावी सर्वे के साथ साथ नेताओं के इंटरव्यू भी जारी है। तो अभी हमारे साथ है भाजपा से हल्का इसराना की टिकट के दावेदारी पेश करते हुए सत्यवान सेरा, तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चुनावी तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं इलेक्शन को लेकर? नमस्कार मनीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि ये चुनाव जो है मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आप लोगों के साथ मुझे काम करते हुए लगभग 15 वर्ष हो गए, तीसरा प्लान आ गया है। 14 में तैयारी करी, 19 में और अब 24 में ये तीसरा प्लान है, जो कि एक कार्यकर्ता और एक नेता के लिए एग्जाम देने के लिए सही समय है। यदि मैं बात करूं, आप पार्टी को कैसे आश्वस्त करोगे कि पार्टी आपको टिकट देगी तो आप ये जो सीट है वो पार्टी की झोली में दोगे? देखिए मनीष जी, ऐसा है, मैंने अभी बताया कि मैं जो कार्यरत हूँ 2014 से हूँ, यानी टिकट के लिए, और उससे पहले मैं 2012 से हर घर गांव के जितने भी जो अपने 62 गांव हैं और इनमें लगभग छोटी पंचायतें भी हैं बड़ी भी हैं, तो मैं तकरीबन हर गांव का 100 बार प्रवास कर चुका हूं। और जो जनता से उम्मीद ये है कि मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूं कि मुझे अपनी कोई पहचान कराने पड़े। और पार्टी को ये पता है कि भी हमारा एक कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता सत्यवान सेरा है। यदि अब जो चुनाव को लेके कमेटी बनाई गई भाजपा पार्टी के द्वारा, उसमें कृष्णलाल पवार भी है और सुनने में आता है कि आपकी और उनके थोड़ा सा इक्वेशन बनती नहीं है, तो कैसे लगती है कि भी टिकट आपके पास आ ही जाएगी? देखिए, पवार साहब हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं और उनसे हमारा अच्छा मेल मिलाप है। अभी हमने एक साथ हल्के में ये गलत अफवाह चल रही है कि आपकी और उनका थोड़ा सा इक्वेशन बैठती नहीं है, आप लोगों की एक लैब में बात नहीं होती कभी? नहीं नहीं, हमारा कोई मतभेद नहीं मनीष जी, पार्टी के वो सीनियर कार्यकर्ता हैं, मैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं। और अभी लोकसभा में हमने एक साथ चुनाव में काम किया, जो हम चुनाव एक साथ लड़े तभी तो हम मनोहर लाल जी को जिता पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है बेवजह की और एक बनावटी बातें हैं कि भी उनमें मेरे कोई मतभेद है। यदि बात की जाए हल्का इसराना की, आपने खुद बोला कि आप कई बार गांव में घूम चुके हो, सभी गांव में आप जा चुके हो, मुख्य तौर से क्या कुछ समस्याएं नजर आ रही है? आज के समय में मनीष जी समस्याएं तो कोई रह नहीं गई हैं, लगभग बीजेपी के फिर चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? यदि समस्या ही नहीं रही है तो चुनावी मुद्दा भी नहीं रहेगा कुछ? देखिए मैं ये कहूँ, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था तो उस टाइम भी समस्या तो कोई नहीं थी। अगर हमें आगे आगामी विकास करने हैं, अपनी विधानसभा, अपने जिले, अपने प्रदेश को आगे लेके जाना, तो नई नई योजनाएं जो आनी हैं जनता के हित के लिए उस पर काम करेंगे। यदि एक पार्टी का एक टैगलाइन है भाजपा की, सबका साथ सबका विकास, और यदि मैं मतलोडा को देखूं, इसराना को देखूं और खासकर मतलोडा को देखूं, विकास के नाम पे कई महीनों से बल्कि 1-1.5 साल से गलियां फटी हुई हैं, दुकानदारों का जीना मुश्किल हो गया है, ग्राहक कैसे जाएगा? यहाँ से 5 बार का एमएलए भी यहाँ पे रह लिया, कैबिनेट मंत्री भी है, मौजूदा राज्यसभा सांसद भी है आप ही के पार्टी के कृष्णलाल पवार, और आप भी यहीं से हो, आप भी पुराने कार्यकर्ता हो, क्या कुछ कहेंगे? मनीष जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं। देखिए, विकास की बात जो है, विकास करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको एक बार बताऊं, जो मतलोडा ब्लॉक है वो आज एक कस्बे का आकार ले चुका है। आपने देखा भी, हमने सब डिवीज़न इसराना बनाई, हमारा मन है कि अगली बार हम मतलोडा को भी बनाएं। अब सुनिए, आप जो सब डिवीज़न बना देते हैं, एक शीर्ष अधिकारी को बिठा देते हैं, पब्लिक के काम के लिए जब पब्लिक को आना पड़ेगा तो ऐसी व्यवस्थाएं दिखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में विकास हुआ है। अब सीवरेज डला तो
तो ये तो जनता के हित के लिए है। वो तो उस चीज के लिए तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन इतना समय कि लोगों को जीना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए, समस्या यहाँ पर है। यहाँ पर समस्या नहीं है कि विकास हो रहा है, दिक्कत हो रही है, एक टाइम पीरियड होता है हर चीज का कि इतने समय में ये चीज हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड ही नहीं दिख रहा है। मनीष जी देखिए, नेता के पास जब एक बात आती है ना कि देखिए मतलोडा पानी का निकासी का कोई राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हमने सीवरेज डलवाया, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अब जब विकास होगा थोड़ी दिक्कतें आएंगी। आप कह रहे हैं टाइम ज़्यादा हो गया, एक नेता एक काम को सैंक्शन कराता है पहले आधिकारिक रूप से, अगर वो मंत्रिमंडल से होना है तो वहाँ से, या अपने जो फंड हैं उनसे होना तो उनसे, उसके बाद जिस कंपनी को टेंडर देते हैं वो हमारा कोई निजी नहीं होता, ये ऑनलाइन प्रोसेस है। इस ऑनलाइन प्रोसेस में प्रशासनिक अधिकारी इसका अच्छा जवाब दे सकते हैं कि एक नेता की किरकिरी हो रही है, एक पार्टी की किरकिरी हो रही है, उस काम को आप क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए एक पार्टियों में ही ये नहीं होता कि भाई ये नेता उस पार्टी का है और ये नेता उस पार्टी का है, आधिकारिक रूप से भी अधिकारी ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी पार्टी दल से जुड़े होते हैं, और ये देखते हैं जो मतलोटा का विकास अगर रोकते हैं तो इस पार्टी, इस नेता को आने वाले टाइम में नुकसान होगा। क्या किसी नेता के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है वो अधिकारी से पूछे कि आखिरकार ये समय क्यों लग रहा है? तो वैसे बात काफ़ी बड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन इन शॉर्ट में पूछना चाहूँगा। देखिए पूरा अधिकार है, अधिकारियों से हमारी बात भी चल रही है, लगातार जो घटनाक्रम बन रहे हैं सारी चीज़ों की जानकारी है। देखिए एक तो बरसात का मौसम, अब पाइपलाइन डली है तो मट्टी कच्ची डली तो धसेगी भी, धस रही है, हम खुद देख रहे हैं, हम भी डेली ट्रैवल कर रहे हैं, मार्केट आने जाने में दिक्कत है। पर मैं बताऊं थोड़ी दिक्कत तो है, कहते भाई सांझ के बाद सवेरा जरूर होता है। मैं सभी को ये कहूँगा कि विकास है ये और इसका जल्द से जल्द हम निपटारा कराएंगे। हमारी कोशिश है कि भी इस चुनाव से पहले प्रशासनिक अधिकारी को कह करो, कह भी रहे हैं। देखिए साथियों, हम जो काम कर रहे हैं वो पूरे जोर से करवा रहे हैं, किसी को सुनने की आदत नहीं होती मनीष जी, अपने मन की होती। मैंने पवार साहब से भी बात करी कि पवार साहब आप द्वारा ये काम हुआ है, आप डेवलपमेंट करा रहे हैं तो जनता इस चीज़ को चाह रही, तो आप अधिकारी को कह के कराइए। मैंने भी कहा है तो पवार साहब ने भी कहा है, क्योंकि खुद मतलोडा पवार साहब का अपना गढ़ है, उन्हें ज़्यादा चिंता है कि उनके गढ़ में, गढ़ तो आपका भी है, आप भी यहीं से हो। बिल्कुल, आपने देखी एक बात बोली कि जो आज विराजमान है जिस पद पे, थोड़ी बुक्कत उसकी रहती है मनीष जी, तो हमारे बड़े हैं और राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, इतना बड़ा डेवलपमेंट वर्क करा रहे हैं, तो उसमें तो भागीदारी उन्हीं की रहेगी ना, उनके फंड से आया, मेरे फंड से नहीं आया, मैं तो कह ही सकता हूँ, और नहीं तो कही कही आपकी बात कि आपका उनका समन्वय नहीं बनता, वो बात फिर जनता में जाकर रह जाएगी। हल्का हल्के में तो ये बात चली रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेबुनियादी बातें, एक है पूरा परिवार एक है। अच्छा 10 साल बीजेपी को हो गए हैं, अब आचार संहिता लग चुकी है, और एक चीज बड़ी जोरों शोरों से देखने को मिली है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में जाता है तो उसके काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं, अधिकारी से नहीं होते हैं, फिर वो नेता के पास आता है, नेता के पास भी आने जाने से एक दो बार तीन बार जब आता जाता है तब जाके मुश्किल से काम होता है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये ना मंत्रियों की सरकार है ना MLO की सरकार है, ये तो सरकार बस अधिकारियों की है, अधिकारी अपने हिसाब से करेंगे सारे काम? मनीष जी आपने तो वो बात कर दी, कांग्रेस वाली जनता मांगे हिसाब, आप नहीं, मैं जनता मांगे हिसाब नहीं है, मैं जब किसी सरकारी कार्यालय के पास खड़ा होता हूँ तो मैं लोगों से पूछता हूँ, बेचारे कैमरे के आगे नहीं बोलते हैं, वो ये सोचते हैं कि यदि हमने कैमरे के आगे बोला तो क्या पता हमारा होता हुआ काम भी रुक जाएगा। मैं कांग्रेस के अकॉर्डिंग हिसाब नहीं मांग रहा, ना मेरा वो काम है, मैं जनता के हिसाब से मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं आपकी बात को स्वीकारता हूँ, आप मुझे खाली एक चीज का उदाहरण दे कि इस काम की, मैंने इस आम व्यक्ति से या इस विधानसभा के या इस जिले के व्यक्ति से पूछा, उसे ये दिक्कत आई, तो मैं उसका आपको जो ऐसा है, आप है ना मेरे साथ ना, आप सुबह तहसील में चल पड़े, बिजली घर में चल पड़े, BDPO ऑफिस में चल पड़े, सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दिखा दूंगा, लाइव करेंगे उस समय, और ये सारी चीजें आपके आगे आएंगी। मैं इसमें से कुछ ये नहीं कर रहा कि 2, 5, 4, 2 कर रहा हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ, आप बेशक से यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ, और मनीष जी आपको एक बात बोलूँ मैं कि जिसकी जो समस्या है, मैं आपसे खाली एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2014 के अकॉर्डिंग
आज 2024 आपको कैसा लगता है? जब पहले गांवों में बिजली 3 घंटे आती थी, 4 घंटे आती थी, तो वो अच्छा था 2014 में जो हुड्डा साहब ने विकास किया था, या अभी हमारी गवर्नमेंट में 24 तक आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है, ये अच्छा है? काम जो तो हुए हैं, ये तो सही ये मुझे बताइए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशनें, कुछ लोग जिनके पास आधिकारिक वो थी, अथॉरिटी थी, वो उनके साइन करा के उनकी पेंशन खा जाते थे, बोलते थे अगली बार आएगा, वो अच्छा था। जो आज एक बुजुर्ग के खाते में ऑनलाइन सीधा पैसा जा रहा है और वो अपने पैसे को वो ऐसे जमा रख रहा है कि उसे जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल ले रहा है। दूसरा, मैं आपको एक बात और कहूँ कि भी आप ये बताइए, जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी के साथ धांधली नहीं है, सीधा सीधा है, जो आदमी कर रहा है वो ही पा रहा है। आप बताइए, राशन वितरण में बताइए आप, जो पहले डिपो होल्डर अपने आप ही गूठे की पर्ची लगा के सारा का सारा अनाज गरीब आदमी खाते थे, आज 80 करोड़ देश के देशवासी उसका मुफ्त राशन ले रहे हैं और बिना लाइन के बिना कष्ट के। डिपो होल्डर जाके कहता है कि आपका अनाज आ गया, आप अपना अनाज ले लो। ये सुविधाएं ऑनलाइन अच्छी लगी है, बोली अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हर कोई इनको कंसिडर भी कर रहा है, और इसी वजह से भाजपा दूसरी बार भी आई है और अब चुनाव है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहेगा, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। क्या अब जो विधानसभा चुनाव है ये टक्कर का होगा या अभी भी एक तरफा बोलोगे कि एक तरफा जाएगा? देखिए, ऐसा है, चुनाव है, जनता का अपना मत होता है, कभी अप कभी डाउन रहता है। मैं आपको कहूं कि जो लोकसभा के चुनाव की अपनी रूपरेखा है, विधानसभा के चुनाव की अपनी रूपरेखा है। मैं ये कहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार तीसरी बार 75 सीटें लेके आएगी। हर विधानसभा में हम आपको बताएं कि हमने अपने काम की मांग करनी है कि हमने किया है तो हमें आप वोट दें, आपको ईमानदार सरकार मिली है तो आप हमें वोट दें। मैं ये कहूँ आपको कि आप इतना बताएं कि इन 10 सालों में केंद्र और राज्य में कोई एक भ्रष्टाचार की आपके न्यूज़ चैनल पे, कोई भ्रष्टाचार पे के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई ऐसी खबर आपने देखी हो जो जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया हो और जनता तराई तराई मचा रही हो, सड़कों पे खड़ी हो, ये भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार? आपके पैसे की सही सुरक्षा सही रक्षा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। तो फिर लास्ट सवाल लूंगा, जैसे कई कैंडिडेट खड़े हैं टिकट को लेकर, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ऐसा है, जितने भी मेरे भाई कैंडिडेट खड़े हैं सभी प्रबल दावेदार हैं, सबकी अपनी अपनी दावेदारी, मेरी किसी भाई से कोई नाराजगी नहीं। मेरी तो अपने आप से है कि मेरी लाइन सबसे लंबी है तो पार्टी संगठन मुझे टिकट देगी। देखिए, हर चीज़ की मनीष जी काम की सराहना होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस टाइम से संभाल रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी का 2009 में 1000 वोट था। हमारे सतपाल जी हैं जो कई से चुनाव लड़े थे, उनको 1000 वोट आया था, और जब पवार साहब हमारी विधानसभा से 2014 में चुनाव लड़े तो उन्हें 40,000 वोट आया था, उन्होंने बलबीर वाल्मीकि को हराया था। भारतीय जनता पार्टी 1000 से 40,000 पे आई, वो सत्यवान सेरा की मेहनत और कार्यकर्ता की मेहनत थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि कोई साथी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए और खुद घर बैठ जाए। मैंने लगातार कंधे से कंधा मिला के पवार साहब के साथ काम किया है। 2014 में वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, 2016 में हमारी श्रीमती जी जिला परिषद की चेयरमैन मिली, हमने डबल इंजन की जो सरकार मनोहर लाल और मोदी जी की चर्चा में आई, ऐसे पवार साहब की और सत्यवान सेरा की इस टाइम विकास के रूप में आई, हमारे में कोई मतभेद नहीं हुआ। मैंने जो किया पब्लिक को दिखाया, पब्लिक उस चीज़ को आज जानती भी है कि सत्यवान के मुड्ढे कितने तालाब के दो रदरे हैं। ठीक है जी, ये आपने आप जानोगे कहोगे, जहाँ जरूरतमंद को गली की जरूरत पड़ी, जो काम नहीं हुआ वो काम कराया, आज जनता में पहचान मनीष जी काम की है। तो मैं अपनी दावेदारी उस रूप में कर रहा हूँ कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता भी रहा और समाज ने मेरे परिवार को जिम्मेदारी दी, मैंने उसको भी बेखूबी और अच्छे से निभाया। 5 साल में बिना बजट के जिला परिषद के जो भी आया, एक अच्छी गृहिणी की तरह कम पैसे में घर चलाया और जिले को चमकाया। अच्छा, एक सवाल, अब जिला परिषद आपके सामने कृष्णलाल पवार 5 बार के MLA, 1 बार के राज्यसभा सांसद मौजूदा, वो भी टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, खतरा नहीं लग रहा है कि भाई इतना पुराना नेता आपके आगे और आप को 3 प्लान से आप मेहनत कर रहे हो, वो बहुत पहले से काफ़ी राजनेता हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, हरियाणा की राजनीति में अच्छे खासे पैर जमा लिए उन्होंने? मनीष जी, ऐसा है,
जो पवार साहब 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से वो INLD में थे तो 4 चुनाव जीते, भाजपा में 2 चुनाव लड़के 1 चुनाव जीते, और 7 चुनाव तो विधानसभा के लड़ चुके हैं, 8वां चुनाव उन्होंने राज्यसभा का लड़ा। आप बहुत बड़ा स्तर है उनका कि 4 बार INLD के विधायक रहने के बाद अब भाजपा के विधायक, मंत्री और राज्यसभा सांसद हैं। मैं मानता हूं, पर देखिए राज्यसभा जाने के बाद थोड़ी हमें भी उम्मीद हुई है कि पवार साहब के बाद अगर कोई सीनियरिटी बनती तो मेरी मनीष जी बनती है, तो मतलब, ऐसा कोई मतलब राज्यसभा सांसद बने कृष्णलाल पवार, खुश हुए आप कि अब की बार शायद नंबर आपका लग जाए? जी बिल्कुल, खुशी की बात तो है, ये सीनियरिटी के हिसाब से तो बनता ही है कि अगर घर में किसी बड़े के पास जिम्मेवारी हो और बड़ा उचित स्थान पर चला जाए तो छोटे को उस घर की जिम्मेवारी देता है, कहता आगे आप संभाल लिए। तो मैं पवार साहब से ऐसी अपेक्षा करता हूँ, 8 चुनाव तो लड़ी चुके हैं और इस बार छोटे भाई को आशीर्वाद, आपका नंबर लग जाएगा। बिल्कुल जी, पार्टी संगठन देख रही है सर्वे के आधार पर। जोर देखने को मिलती है कई नेताओं में, ये देखने को मिलता है टिकट नहीं मिली, पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में चले गए, निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। आपके मन में नहीं आता कभी कि भाई आप 2 बार 3 बार आप ट्राई कर चुके हो? कभी कभार तो मन में आ ही जाता होगा कि छोटा यार क्या है ये, अपना अलग से चुनाव लड़ लेते हैं, इतने दिन हो गए, खुद मेहनत तैयारी कर रहे हैं। मनीष जी ऐसा है, ये निर्णय लेते तो 2014 में लेते। अपने हरियाणा में एक कहावत है, हरियाणा में के पूरे देश में कहावत है, ठोट बड़ा पत्थर भारी। जनता पे विश्वास है, पार्टी पे विश्वास नहीं है। पार्टी पे विश्वास, जनता पे विश्वास कह रहे हो? जनता द्वारा ही पार्टी बनी है, जो ये संगठनात्मक इकाई किसी भी दल की बनी हो जनता द्वारा ही बनाएंगे। जनता सर्वोसर है किसी भी पार्टी दल का, तो जनता जो निर्णय लेती है वो हमें शर्माते होता है कि उनके द्वारा निर्णय लिया गया, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे INLD है, तो वो सर्वोपरि है। और मैं आपको बताऊं कि भाई विश्वास 101% है इस बार के संगठन मुझ में विश्वास जताएगा, और हम विधायक के रूप में अपने विधानसभा की सेवा करेंगे, और कोई और जिम्मेवारी आप अपने माध्यम से दिवा दो तो प्रदेश की सेवा भी करेंगे। तो संगठन का काम है। अच्छा, यदि किसी कारण से टिकट नहीं मिलती है तो किसी को, जिसको भी टिकट मिलेगी उसको सपोर्ट करोगे या घर पे बैठ के अपना रेस्ट करोगे, वोट डालने वाले दिन वोट डाल के आओगे? देखिए मनीष जी, फिर वही कहूँगा, 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया, 2014 में ही विधानसभा का चुनाव लड़वाया, 2019 में दोबारा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया, जिला परिषद का चुनाव लड़वाया, सरपंच का चुनाव लड़वाया, फिर उसी दौरान फिर पवार साहब को टिकट हुआ, हमारा टिकट कटा 19 में, फिर चुनाव लड़वाया, अब फिर दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़वाया। मनीष जी मैं लगभग 20-25 चुनाव लड़वा चुका हूँ, मेंबरी से लेके लोकसभा तक का, तो अभी तक तो ऐसा कोई मन में आया नहीं, तो आगे कैसे आएगा? वैसे आपको कहा ना ठोट पड़ा पत्थर भारी, तो लगे रहोगे मतलब? बिल्कुल बिल्कुल लगे। कि आपने बात करी, ये बोलते हैं लोग, काफी लोगों से सुनने को मिला आपने घर भर लिया, मड़ाई खा ली सारी की सारी। ऐसा है, मैंने आपको एक बात बताई अभी मनीष जी, कि सरकार पता नहीं सच्चाई कितनी है, नहीं है वो तो आप ही बता पाओगे। तो अपना क्वेश्चन पूरा कर लो आप, अगर वो पूरा हो फिर मेरे तो सवाल कर लियो, बीच में रह गई थोड़ी सी कसर वहां पूछ ली। पूछे पूछो, ऑन आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने एक बात कही आपको, ऑनलाइन प्रोसेस में कौन सी धांधली हो सकती है? जब सरकार की प्रक्रिया सब टेंडर से है तो कौन नेता कैसे कर सकता है? मनीष जी मैं क्या कहूँ, कई हजार लाख साल पहले माता सीता और श्री राम को लोगों ने बख्शा, तो हम तो एक इंसान हैं, आप कुछ ही कर लो। मड़ाई घर में आदमी दो रोटी खाओ, मड़ाई कोई नहीं खाना है, चाहे आप कैमरा चला कर अच्छे भाइयों के लिए अपना कैमरा मैन खड़ा है, ठीक है, कोई नहीं खाता, सब अपनी ईमानदारी कमाई खाओ, सबका अपना हक लाल का है। और लेकर के जाना मनीष जी, इस संसार तक कुछ ले जाना, जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, कितना कितना निकलेगा, तो नेक नीति कमाई सबके काम आवे है, कोई चोरी नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं, और कोई जलता भुंडा नौका वगानों का भाई फलानी पार्टी का नौका, वो देखो सत्यवान है, तो सत्यवान देखने वाली चीज़ें तो देखा गया भाई। अच्छा, चुनावी टक्कर किस पार्टी से मानते हैं? देखिए जो हमारी फाइट हमें लगती है वो कांग्रेस से ही है, विपक्ष है और बलबीर वाल्मीकि रहे या उनका कोई भी कैंडिडेट रहे, तो कांग्रेस से सीधी सीधी फाइट है। कितना ये फाइट मानेंगे, क्योंकि मौजूदा विधायक कांग्रेस का है और अच्छी खासी यदि वो हलके में जाते हैं, विधायक है तो सीधी सी बात है उनके कार्यकर्ता भी ठीक ठाक जुड़े हुए हैं, कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं? क्योंकि 2014 के बाद 2019 यहाँ से फाइट में बीजेपी पीछे हो गई थी, कांग्रेस आगे आ गई थी। देखिए चुनाव उतार चढ़ाव है, हार जीत चलती होती, पर मैं ये बताऊं कि भाई लोगों की संतुष्टि नहीं हुई बलबीर जी से, जो उन्होंने 5 साल विधायक रह के जनता के विश्वास को घात पहुंचाया है, उससे जनता काफ़ी परेशान है। और
इस बार ये मान रही है, बदलाव की आंधी जिसे कह सकते हैं इस हरियाणा विधानसभा में है कि भाई बलबीर हो या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट हो, उन्होंने परख लिया कि भाई हाँ भाई ये डिजर्व नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा इस बार और अच्छे काम उसी तरीके जैसे चलते आए वैसे होते रहे। मतलब जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है। आपके पास तो कैमरा है, ताकत है, आप किसी का भी व्यू ले सकते हैं। ताकत नहीं है, काम है हमारा। अरे लोकतंत्र का तीसरा चौथा स्तंभ मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, वो एक अलग बात जी। तो कुल मिला के अभी हमारे साथ सत्यवान सेहरा जो कि भाजपा से हल्का इसराणा से टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं, अभी वो हमारे साथ थे, उनसे बातचीत हुई है। अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ से।